आप बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके, और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और अब से भाई लोग व्लॉग आए करेंगे दिन में 12 बजे, तो सारे तैयार रहना, दिन में 12 बजे व्लॉग आए करेंगे। फुल एंजॉय करना, पूरा सपोर्ट करना, पूरा प्यार करना व्लॉग्स को, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो लास्ट व्लॉग के कमेंट्स वाले विनर। हाँ जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी भाभी, क्या हाल है, ठूंसने में लग रही हो, तबीयत ठीक है? रोटी खा के गोली खाऊंगी। आराम है? नहीं है, कम कम। अच्छा, कम आराम है। चूहा पकड़ लिया? चूहा आज सुबह इन्हें दिखा, फिर हाथ नहीं आया यार। अखरोट यूं के यूं ही रखे। देखो भाई, अखरोट कल के ऐसे रखे हुए हैं, ये देखो ये पड़े हुए। एक बात बताओ, तुम ऐसे स्मार्ट से कैसे होते जा रहे हो, हैं? मतलब भाई, वर्कआउट तो हम भी कर रहे हैं भाभी। कोई और पट गई होगी। कोई और पट गई होगी। जब इंसान प्यार में होता है ना, हाँ, तो उसके चेहरे पे चमक आ ही जाती है। अच्छा, तो प्यार का असर चेहरे पे दिखता है। तो प्यार बीवी से या किसी और से? किसी और से। किसी और से? बीवी से प्यार हुआ आज तक किसी को? ओ, लाइट गई, ये क्या झटके मार रही है लाइट? बीवी से आज तक प्यार हुआ किसी को? भाभी आपका क्या कहना है इस बात पे? मत करो, बीवी तो छोड़ के भी जावे। ओ, अरेंज मैरिज वाली छोड़ के नहीं जाती। बात तो ये है, ये वहम है, वहम ही खा लूंगी। वहम ना पालिए हैं वो, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपने माई के जाती है। ओहो, और 3-4 दिन में वापस आ जाती है। क्या बात है, आज तो पत्नी की सेवा कर रहे हो भाई, हैं? चटनी वटनी लेके आ रहे हो भाभी के लिए? ये सब मत दिखाए कर। ओ भाभी, क्या ना, ये सब मत दिखाए कर। अच्छा भाभी सुनो, मैं आपको मुंह बना के लाए। सुनो, मैं आपको ना एक चीज देने वाला हूँ। सुनो, ये बहुत काम किया आपके और मेरे, ठीक है? देख लेना, कुछ पैसे वैसे का मैटर हो पाए तो। ये लो पकड़ो, बस। और बाकी मैं बता दूंगा तुम्हें पिन वगैरह, मुझे पता है। फिर दोनों भाई भाई पार्टी करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, किसी और का तो नहीं है? किसी और का ही तो है। हाँ भाई, है? कुछ नहीं है ऐसी? अरे तो लेने आ रहे भाभी, लेने आ रहे। क्या चाहिए? मेरा कार्ड लग रहा मुझे। लाओ लाओ जल्दी दो। अरे भाई, रोटी तो सटक ले दो। रोटी तो सटक ले दो भाई, ना तुम्हारे पैसे ले लिए। पहले ही तबियत खराब है, सटका ही ना जा रहा, कुछ बोलना ना जा रहा। हाँ, तुम्हारे पैसे निकाल लिए हमने। दिमाग खराब। मैं इसमें से चकमा दूंगी इनसे। क्या यू कह रहे हैं बड़े विश्वास के साथ? हाँ। वैसे तो ज्योति को पिन पता है। हाँ। तो मैं किसी दिन उसमें से पैसे निकालूंगी ना, इनके पास मैसेज आएगा, टक, मजा आएगा। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 50,000। इनके आगे हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे भाई। और तभी आऊंगा फिर घर, बेल्ट लेता हुआ, यू घुमाता हुआ। मैं डंडा करके रखूंगी तेल से। ऊपर तो नहीं घुस गई भाभी? भाई लोग, आवाज आ रही है ऊपर से, कट 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 कट। अंदर छेड़ना, अंदर छेड़ना। भाई लोग, आवाज हो रही है इनके रूम में, हमें लग रहा है चुईया ही कर रही है। आज इसे देख लें आज। इतना डर, पूरी खोल ना, इतना डर चुईया का। मुझे तो लग रहा है ऊपर जो खाली जगह है ना दीवार में, उसमें गई है वो, यहीं से आ रही है। इसमें यही खा रही है, गत्ता खा रही है। ये तो YouTube प्ले बटन रखा हुआ है हमारा, वो खा रही है। अंदर हटाओ सामान, हटाओ 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 हटाओ, आराम से पकड़ के। क्या था इसमें? अबे इतना क्या डर रहे हो यार एक चूहे से? अरे डर तो नहीं है, फिर ये हाथ पे कुआते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। ये अमित भाई की शेरवानी रखी हुई है यहाँ पे शादी की। किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैंने तो पहन ली। ये देखो भाई, ये गिफ्ट है जो भाभी जी लेके आई थी अमित भाई के लिए। परेशान कर दिया, लेकिन मिल नहीं रही यार। मतलब इतनी सी है वो, हाथ से भाग जाती है, पता नहीं कहाँ। टॉम एंड जेरी हो गया ये तो बिल्कुल हमारे घर में। और ये देखो भाई, इतना सुंदर गिफ्ट जो भाभी जी लेके आई थी अमित भाई के लिए। ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है बाबू, ये मैंने इतना महंगा बनवाया था। इतना महंगा बनवाया था? अब ये कुछ काम का नहीं है वैसे। काम का क्या नहीं, इतना सुंदर गिफ्ट है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, माइकिंग। और ये देखो भाई साहब, अमित भाई की फोटोज इतनी सारी। और इसमें ज्योति ने मुझे 2,00,000 रुपए रख के दिए थे। और अंदर सोचो इसके अंदर चूहा निकल जाता अभी। इसमें मैंने एटीएम रख के दिया था, वो भी खाली। तो ये रुमाल देखो, भाभी ने बनाया था अमित भाई के लिए, अपने हाथ से लिखा था अमित, वेरी गुड। है कहाँ वो रुमाल? इसमें दिखाना, दिखाना। ये देखो भाई, ये है वो रुमाल जो भाभी जी ने दिया था अमित भाई को, दिखाना। ये इन्होंने दिया था ना, आपने बनाया था ना,
मेहनत से बहुत बर्थडे पे गिफ्ट दिया था यार बाबू। देखना एक बार देखो कैसे फेंका है यार तू पागल है क्या? अरे तो मजाक भी तो फेंका है यार। ये कोई मजाक है? ये कोई मजाक है भाभी ये चुईया एक सेकंड क्या है ये? देखो भाई कभी स्कूल में करा करते थे ऐसी हरकतें बच्चे, अब देखो ए ओ इसे गीला कर लो रुमाल को तब देखो कितनी तेज लगेगा। यही करना नील पड़ जाएगा जहाँ पड़ गया रुमाल है मेरा, देखना कैसे बोझ के रखेंगे देखना। और भाई लोग अभी सीन सुनो, अमित भाई आए थे ऑफिस से, भाभी जी उनके साथ गए हैं, इन लोगों का प्लान बना भाई चाइनीज खाने गए हैं ठीक है। जस्ट अभी निकले हैं ये लोग और मेरे माइंड में एक खुराफाती आइडिया है बहुत खतरनाक, मैंने अपना एक दोस्त भी बुला लिया उस चीज के लिए, बस वेट करो मैं भी निकल रहा हूँ घर से जल्दी से और देखो। और मैंने कॉल करके भी पूछ लिया है लोग कौन सी शॉप पे जा रहे हैं खाने, मुझे पता है एक पे जाते हैं लोग, तो देखो अब। और भाई लोग हम निकल चुके हैं घर से, मैंने बुला लिया रवि को और रवि लेके आया हाथ में गुलाब का फूल, ये जाएगा भाभी जी के पास, वो लोग यहाँ से थोड़ा सा दूर है, ये जाएगा भाभी जी के पास, बोलेगा आई लव यू ये वो, तंग करेगा और जो दोनों के रिएक्शन आने वाले हैं भाई साहब वो होंगे बहुत मजेदार। अभी क्या है मैंने लगा दिया गाड़ी दूर जिससे उन लोगों को ना दिखे ना कुछ, रवि लेके आया स्कूटी, अब रवि की स्कूटी पे हेलमेट लगा के पूरा मुंह पैक करके जाऊंगा मैं और पास से वीडियो बनाऊंगा, एकदम मजेदार, इतना खतरनाक होने वाला है देखते जाओ। ये देखो तुम्हारे भाई का लुक, ऐसे बैठा हूं मैं, अब जाने वाला है रवि कुछ खतरनाक करने। रेडी रेडी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या हो गया? चलो चलो दूर हटो। मैं दूर हटू? यस। क्यों? भाभी अच्छी लग रही है। बैठ के जाएगा देखो जी कैसी लगी? हाँ जी भाई साहब, अरे क्या हाल है? हाँ भाई साहब क्या समझ रहे थे के भाभी कैसा लगा? बहुत ही बुरा। बहुत ही बुरा, क्या बोला था तूने आगे? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई साहब मजा आया नहीं आया ना? मजा नहीं आया? क्यों मजा नहीं आया? खाने भी नहीं रहते क्या चैन से? ये देखो भाई चिली पटेटो खा रहे थे, बेशरम दोनों हैं। वाह आया कैसे पीछे पीछे? पीछे आया कैसे, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं। कह रहा हूँ तू करवा देता इसका काम अभी। हाँ ऐसे कैसे करा? इतना खतरनाक भाई तेज तो नहीं लगी थी? नहीं भाई। लगी तो नहीं है? नहीं नहीं। इतना खतरनाक सीन मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा भाई साहब, मैं दूर से देख रहा हूँ मुझे हंसी भी आ रही और समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, गुलाब का फूल तोड़ने। सुन हाँ मुझे लगा तो था एक बार को। हाँ भाई इतना डल आ रहा, पता नहीं फुटेज यहाँ पे कैसे, दूर से भी जूम वूम कर रहा था ना मैं, बहुत ही अजीब सी फुटेज आ रही थी। मुझे लगा तो था एक बार को हाँ, लेकिन इसे देख के नहीं लगा था कि ये करे। हाँ भाई लड़ाई से रोक रही थी उतर के पहलवान। हाँ भाई हाँ अरे मेरे तो इस पे बिखर गया था, ये साफ कर दीजिए। गिर गया? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये देखो भाई साहब गुलाब की पत्तियां यहाँ पे। हाँ भाभी बड़े स्वाद से चिली पटेटो खाने आए थे। मैं कह रहा हूँ मैंने ये सोचा था एज में बड़ा नहीं लग रहा था, बच्चा लग रहा था। हाँ कि यूं ही बच्चा है ऐसे ही आ गया। अच्छा यूं ही बोल रहा है। अच्छा फैन, पर मैंने उसे सिखाया था, मैंने कहा थोड़ा सा ना ऐसे बोलियो आई लव यू ये वो। मुझसे पता है क्या कह रहा? हाँ तू जा तू जा तो मेरे भाई तुम जाओ तुम जाओ। सुनो वो ठाकुर साहब इसलिए बोल रहा था, वो मेरे सिखाए हुए वर्ड्स थे, वो तो मुझे समझ में आ ही गया वो कि भाई मैंने एकदम। अरे लेकिन सुन हाँ तूने बंदा सही चुनना था। अच्छा तब मजा आता। नहीं सही था यार, ऐसा नहीं था बुरा था। है भाभी सही नहीं लग रहा था? अगर थोड़ा सा भी सही आता ना तो फिर मारने वारने का मन भी करता, ये ऐसे ही लग रहा था कि रवि मजाक कर रहा है। रवि जब जब क्या बोलते हैं जब हम इधर तेरे तरफ आते तो डर लग रहा था। हाँ डर तो लग रहा था। यहाँ यार पता नहीं दिन में ना फुटेज बड़ी डल सी आ रही है, पता नहीं क्यों सबके चेहरे ऐसे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि काले से लग रहे हैं, इतने काले हम है नहीं। हाँ काले लग रहे हैं जबकि है नहीं। यहाँ ना तो रोड पे आवाज सही रिकॉर्ड हो रही ना फुटेज सही आ रही, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें, आईफोन ही दिक्कत दे रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ भाई जो बात है देख, ये प्रैंक पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो क्या हो गया फिर? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। तो हर चीज पसंद थोड़ी आती है इंसान को।
और क्या, यूं तो ज्योति भी पसंद नहीं आई, शादी होगी। भाभी यार इधर आओ, इधर आओ, सुनो कोई बात नहीं, माफ किया। ना ना कह रहे यार तेरा प्रैंक पसंद नहीं आया, तो मैंने बोला कुछ इधर हो जाओ, कुछ चीजें तो नहीं आती पसंद। कह रहे हाँ जैसे ज्योति नहीं आई थी पर शादी तो करनी पड़ी। अब बताओ कितनी गलत हो, झूठ बोल रहा है मैं कह रहा हूँ बेचारी को चिली पटेटो नहीं खाने दे, पैक कराने भेजा हमने बंदा वहाँ पे कि भैया पैक करके दे दो। ज्योति का बीपी हाई कर दिया इसने। हाँ शक्ल देख रहा था मैं दूर से, हेलमेट में बैठा बैठा उतर गई थी पूरी। कैसी फील आ रही थी पूरी? क्या लगा था तुम्हें, क्या होगा यार? मैं यूं भी सोच रही इसके तो चार ही हड्डी है, ये मार देंगे एक तो लौट जाएगा। और भाई अब पहुंचते हैं हम घर, और हम आ चुके हैं घर, और भाभी जी अपने चिली पटेटो नहीं खा पाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पैक करा के ले। इतने से बचे थे, इतने से और खाने देता। ऐसे कैसे खाने देता? अबे यार जल्द सुनो, एक तो उसने जल्दी से बोला फूल खरीद के ला, इतना लेट कर दिया उसने, क्या बताऊं। जैसे फूल कैसे दे रहा था तुम्हें? मैं तो देखा ही नहीं भाई, मैं तो यही क्या हो रहा है। मुझे हंसी आई पहले तो, हाँ ऐसी लगा था कि भाई होगा फैन में दे रहा है, लेकिन फिर यूं बोलने लगा तू जा, पता नहीं ऐसे बोला तुम जा या तुम जा। अच्छा मैंने कहा अच्छा भाई चल ठीक है। तुम्हारे भाई का भेजा हुआ बंदा था, तगड़ा तो करेगा ही। लो दो चलो बहुत खा लिया। ज्योति बीमार थी नहीं तो ज्योति मार दी उसको। और अरे ये बहुत स्पाइसी है, ये इसलिए बनवाया गया ताकि मेरा यहाँ से जमा हुआ बाहर आए, कोल्ड ठीक हो जाए। बोलो भैया प्लीज दे दो। मतलब नाक जाम हो रही है ज्योति की, मिर्ची वाला इसीलिए खिला रहा था ताकि मतलब नाक खुले थोड़ी सी। अच्छा मैं सोच रहा था पहले, पता है कि ये चाइनीज क्यों खाने जा रहे हैं। बोलो भैया प्लीज दे दो। अरे भैया दे दो। भाई साहब ज्योति को तो प्रपोज करने लग गए, क्या बात है। ओहो तो रैप्टा मारने लग गया, क्या बात है। भाई साहब खतरनाक। नहीं मैंने पता है रैप्टा क्यों मारा था, मैंने रैप्टा यूं मारा था, अबे अंधा है क्या? किसी सही जी को जाके दे। सही में यूं कह रहा सुंदर हो इसलिए मारा था, मैंने कहा सुन आगे से ना किसी डंकी को जाके दिए। अंधा ही हो रहा है बिल्कुल, ये समझा था मैंने उसको। मतलब बुरी बुरी लड़कियां सुंदर लग रही है उसे, ये कोई तरीका है क्या भाई है? और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू सबको, राम राम जी। हाँ जी मैंने बोलना, क्या बोला आपने? मैंने बोला तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, आई लव यू।